जो भी होगा अंदर से भी होगा, बाहर से भी होगा, दिल्ली से भी होगा। अच्छा, आइडिया है कि वी हैव टू डिलीवर और कुछ नहीं बदलता है। हम को पब्लिक ने चुना है, हमने पब्लिक को कुछ कहा है, वो बात नहीं बदलता है। कैबिनेट के अंदर भी वो बात होगा, सरकार के अंदर आके भी वो बात होगा, सरकार के बाहर भी वो बात होगा, दिल्ली में भी वही बात होगा और बाहर में भी मैं जो हूँ मैं वही बात करूँ। जेहेतु आपनारा बीजेपी साथे सरकारे गेछेन, आपनारा कि पूर्व आसने आपनारा प्रार्थी दिच्छेन? ये मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत क्लियरली कह दिया है, हमने अकॉर्ड साइन किया है ट्राइपार्टाइट, दिल्ली में, स्टेट में और हम। दिल्ली में भी हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो हमें अड़चन ना दे, रोड ब्लॉकेट ना करे। तो हम ऐसा लोग को चाहेंगे जो दिल्ली में पार्टी मतलब नहीं पड़ता, सिंबल मतलब नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसा लोग चाहते हैं जो दिल्ली में हमारा बात करे, ना कि दिल्ली में जाकर चुप हो जाए। वो बात मैं मुख्यमंत्री जी से बैठकर बात करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर ईडीसी में भी हम लोग अपने लोगों को और विपक्ष के लोगों को जांच दें। सर, आर यू कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी? आर यू फ्रॉम द जर्नलिस्ट? यस सर। आई हैव ऑलवेज सेड दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर पर्सनल ग्लोरी। आई थिंक माई जॉब शुड बी आउटसाइड द पोलिटिकल अरीना, ट्राइंग टू कीप आवर कम्युनिटी टूगेदर एंड टू कीप आवर वॉइस sincere and truthful. Yes, thank you, sir. Got it. जो पिछले सरकार में कभी कभी हुई है कि आप मंत्री बनने के बाद अपने लोगों का मुद्दा नहीं उठाते हो, चुप बैठ जाते हो, तो वैसा नहीं चलेगा और हमें अपना मुद्दा अब कैबिनेट के अंदर भी रखना पड़ेगा। कैबिनेट के बाहर तो मैं हूँ रखने के लिए, कैबिनेट के अंदर जो हमारा अचीवमेंट, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य है, उनको ये रखना पड़ेगा बिना हिचकिचाहट। और दिल्ली में भी हम सोच रहे हैं कि एक ऐसे ही व्यक्ति को भेजे जो हमारी बात दिल्ली में भी रखे। सोशल मीडिया है एकदम ज़्यादा मेरा सुना कौन सा